पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आइए जानते हैं कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के बारे में। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम खुशहाल पाकिस्तान की तरफ एक कदम है, जिसमें 100 अरब रुपए के कर्ज़े नौजवानों, औरतों और एजुकेशन की बेहतरी के लिए रखे गए हैं। सबसे पहले आइए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कामयाब जवान की इफ्तिताही तकरीब पर स्पीच का लबे लबाब सुनते हैं। ये चीज़ जो आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ वो ये कि हमने 100 अरब रुपए के कर्जे रखे हैं, जिसमें से ये नौजवानों के लिए हैं और जिसमें से 25 अरब सिर्फ ख्वातीन के लिए स्पेसिफिकली होंगे। इनमें से अब सुनते जाएं जरा, जो सूद के बगैर 1 लाख तक कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर, और ये 45 डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे कमजोर तबके होंगे उनके लिए कर्जे दिए जाएंगे 1 लाख से नीचे। दूसरे कंसेशनरी यानी कंसेशन पे कर्जे दिए जाएंगे, वो 1 लाख से 5 लाख तक होंगे, और जो तीसरा टियर है वहां 5 लाख से 50 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे, और ये सब मेरिट के ऊपर होगा। हमारा टारगेट होगा कि 10 लाख नौजवानों को हम कर्जे दिए, 10 लाख नौजवानों को इंशाल्लाह, और वो उनको मौका मिलेगा अपनी बिजनेस सेटअप करने का, और जितना अच्छा आइडिया होगा आप देखेंगे, क्योंकि मेरिट पे कर्जे मिलेंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ये मैं आपको गारंटी करता हूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले उस्मान को कहा कि कोई इसलिए नहीं कि ये तहरीक इंसाफ का नौजवान है इसको कर्जे दे दो, सारों को हमने देना है मेरिट के ऊपर। हम वैसे फजल रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गए। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। और मैं इसके ऊपर मजीद और बात नहीं करूंगा। स्पीच के एंड पर उन्होंने कहा कि हम कर्जे दूसरी पार्टीज के लोगों को भी देंगे, चाहे वो फजलुर्रहमान की पार्टी के लोग ही क्यों ना हों, और कहा कि आज तक कोई ऐसी असम्बली नहीं हुई जो डीजल के बगैर हुई हो। ताहम इस पर चंद लोगों ने एतराज़ भी किया कि किसी को डीजल कहना मुनासिब बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम मेरिट पर कर्जे देंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। इसकी मेजर फीचर्स आपके सामने हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसका इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 से 1 लाख तक इंटरेस्ट फ्री होगा। इसके अलावा इसमें तमाम पाकिस्तान के शहरी जो शनाख्ती कार्ड रखते हों और 21 से 45 साल की एज में हों, इसके अलावा आईटी वाले 18 साल की एज से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में नॉमिनेटेड बैंक NBP, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर हैं। लोन का साइज़ आप देख सकते हैं, इसमें 2 टीयर्स हैं। टीयर 1 में 1 लाख से 5 लाख तक के, जबकि टीयर 2 में 5 से 50 लाख तक के लोन्स मखसूस हैं। लोन की मैक्सिमम मुद्दत 8 साल होगी। इसमें 25% औरतों के लिए मखसूस हैं, जबकि सिक्योरिटी के तौर पर इसमें टीयर 1 में ब्रोवर की सिक्योरिटी होगी, यानी कि 17वें ग्रेड से बड़े अफसर की, जबकि टीयर 2 में इसके बदले सोना या ज़मीन बैंक में रखवाना होगा। ख्वाहिशमंद हजरात की रहनुमाई के लिए हम बता देते हैं कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ इसकी वेबसाइट का एड्रेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मौजूद है, जहाँ से अप्लाई किया जा सकता है।
इसके अलावा आइए एप्लीकेशन फॉर्म की चंद स्नैपशॉट देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है। ये है एप्लीकेशन लोन फॉर्म, इसमें तमाम डिटेल्स, नाम, CNIC वगैरह, पर्सनल पार्टिकुलर एड्रेस, फ़ोन नंबर और कर्ज़े की रकम और मुद्दत मेंशन करनी होती है। एंड में प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हुकूमत संभालने के साथ 1 करोड़ नौकरियों का और 50 लाख घर बनाने का वादा भी किया। आए देखते हैं। चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में कराया, लो कॉस्ट हाउसिंग का हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव टारगेट सेट किए 50 लाख 5 साल, नई कंपनीज आएंगी। कामयाब जवान प्रोग्राम लोगों के लिए बड़ी मसर्रत लेकर आया है और उम्मीद की जाती है कि इसी तरह ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा।